एक गांव में दो शरारती बिल्ली रहता था। एक दिन वो दो बिल्ली मिलके एक घर से एक रोटी चुरा लिया। और रोटी को दो टुकड़ों में बांट लिया। पर दोनों अपने अपने हिस्सा को लेकर खुश नहीं हुआ। अरे मेरे वाला छोटा लग रहा है, तेरे वाला मुझसे बड़ा है। अरे कहाँ, मेरे वाला ही छोटा है, ध्यान से देख। एक काम कर, तेरे वाला तो मुझे दे दे। क्यों दूँ? तू तेरा हिस्सा से मुझे थोड़ा दे दे तो तेरा और मेरा एक समान हो जाएगा। वाह वाह वाह, मैं दूँ मेरा हिस्सा से? तू तो बहुत चालाक है। तभी पेड़ में बैठा हुआ एक बंदर दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देखकर नीचे आ बैठा। अरे अरे, झगड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम दोनों का सुलह कर देता हूँ। दो रोटी मुझे दे दो। हाँ हाँ, यही ठीक है, हम दोनों से तो कुछ हो नहीं रहा है, तुम ही कुछ कर दो। चलो चलो, इस बार बंदर भाई हम दोनों को एक समान करके बांट देंगे। बंदर रोटी के दो टुकड़ों को लेकर एक तराजू में डाल दिया। देखो तराजू इस तरफ झुक गया, मतलब कि रोटी इस तरफ ज्यादा है। ये बोल के बंदर थोड़ा रोटी खा लिया। तब तराजू दूसरा तरफ झुक गया। अरे अरे, ये वाला तो ज्यादा हो गया। बंदर फिर से दूसरा हिस्सा का रोटी से थोड़ा खा लिया। ऐसे तराजू एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ करता रहा और बंदर धीरे धीरे रोटी खाता गया। कुछ देर बाद जब बहुत कम रोटी बचा तब दोनों बिल्लियों ने कहा, रहने दो भाई, ऐसे तो पूरा रोटी खत्म हो जाएगा। जितना बचा है उतना हमें दे दो, हम दोनों वही खा लेंगे। क्या बात कर रहे हो भाई, इतनी देर तक मैंने कोशिश की कि तुम दोनों को एक समान बांट के दूं, अब इतना बचा है ये तो मेरे पेट में ही जाएगा। तुम लोग क्या मुझे मेरे मेहनत के लिए बख्शीश नहीं दोगे? तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो। ये बोल के पूरा रोटी बंदर खा गया और दोनों बिल्लियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो समझे बच्चों, दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए।